नमस्कार दोस्तों, आज हम बनाएंगे मिल्क पाउडर से बर्फ़ी। ये बहुत आसानी से बन जाती है। इस मिठाई को आप कोई भी त्यौहार या ख़ास मौके पर बना सकते हैं। चलिए इसकी रेसिपी देखते हैं। इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम कढ़ाई में मिल्क पाउडर डालेंगे। मैंने यहाँ 2 कप मिल्क पाउडर लिया है। अब मैं इसमें 1 कप दूध डालकर इसे अच्छी तरह से मिला लूँगी। मैंने अभी गैस ऑन नहीं किया है, गैस चालू किए ही इसे अच्छी तरह से मिला लेना है। हमने इसे मिला लिया है, अब हम गैस चालू कर लेंगे और लगातार चम्मच चलाते हुए हम इसे गाढ़ा कर लेंगे। अब मैं इसमें 2 टेबल स्पून घी डाल रही हूँ और इसे भी अच्छी तरह से मिला लेंगे। मैंने यहाँ गैस का फ्लेम लो टू मीडियम रखा है। देखिए मिश्रण गाढ़ा हो गया है। अब हम इसमें शक्कर डालेंगे। मैंने यहाँ 10 टीस्पून शक्कर डाला है। आप अपने स्वाद के अनुसार शक्कर डाल सकते हैं। हमें इसे अच्छी तरह से मिला लेना है। शक्कर डालने के बाद यह पतला हो जाएगा। देखिए इस प्रकार का पतला हो जाएगा मिश्रण। हमें इसमें लगातार चम्मच चलाते रहना है। लगातार चम्मच चलाते हुए हमें इसे गाढ़ा कर लेना है। देखिए बर्फी का मिश्रण तैयार है। अब हम गैस बंद कर देंगे और इसे लगातार चम्मच चलाते हुए हल्का ठंडा कर लेंगे। बर्फी जमाने के लिए मैंने इस प्रकार का टिन लिया है। चाहे तो आप थाली में भी बना सकते हैं। मैंने इसमें बटर पेपर लगा लिया है। अब मैं इसमें मिश्रण डालूंगी और इसे अच्छी तरह से फैला लूंगी। हमें इसे अच्छी तरह से फैला लेना है। फैलाने के बाद अब हम इसे 3 से 4 घंटे फ्रिज में रख देंगे ताकि अच्छी तरह से सेट हो जाए। देखिए बर्फ़ी अच्छी तरह से सेट हो गई है। अब हम इसे निकाल लेंगे। देखिए कितनी आसानी से निकल गई है। अब मैं इसमें चांदी का बर्फ लगा रही हूँ। देखिए मैंने इसमें चांदी का बर्फ लगा लिया है। अब मैं इसे काट लूँगी। देखिए कितनी आसानी से कट रही है। देखिए मैंने इसे काट लिया है। अब मैं इसे दूसरे प्लेट में निकाल लूँगी। अब मैं इसे आपको तोड़कर दिखाती हूँ। देखिए कितनी परफेक्ट सेट हुई है और मुंह में जाते ही घुल जाती है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। यदि मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।